दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के पहले शिफ्ट के एग्जाम के बारे में, जो एलएलपी का एग्जाम हुआ और इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। वो क्वेश्चन आपको हमारे चैनल में दिया जा रहा है, वो भी सॉल्यूशन के साथ। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए, आगे भी जो एग्जाम हो रही है उसका आपको क्वेश्चन मिल जाएगा हमारे चैनल में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, 18 मार्च 1900 को कौन सा दिन था। ये रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। मलेशिया की राजधानी कहाँ है, तो ये कुआलालंपुर। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टैकोफेरर। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, 133। नोबल साहित्य के सम्मान में किसे सम्मानित किया गया, कोजुआ इसोगुरो। उसके बाद है, करप्शन परफेक्स इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, 81। देखिए दोस्तों, इंडेक्स से दो क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ये आप लोग जो भी इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख ले सकते हैं। हाल ही में जुपिटर के कितने नए उपग्रह के बारे में पता चला, 12। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, एसी पर, यानी एसी के से ये काम चलता है। एग्जाम वॉरियर पुस्तक किसने लिखी है, नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2018 का खिताब किसने जीता है, रोजर फेडरर ने। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो वर्तमान में वित्त मंत्री पीयूष गोयल है, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्योंकि अरुण जेटली का तबीयत खराब होने के कारण इस मंत्रालय को पीयूष गोयल जी संभाल रहे हैं, जो फिलहाल रेल मंत्री और कोल मंत्री दोनों हैं। तो मिनिस्टर से रिलेटेड आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो आने वाले समय में आ सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद है, नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, बनवारीलाल पुरोहित। इलाहाबाद के सीईओ कौन है, उषा आनंद सुब्रम। स्ट्रो स्केप का आविष्कार किसने किया, लैंड लेनक ने। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के एग्जाम के क्वेश्चन है वो बहुत ही जल्द आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, इसलिए हमारे चैनल से आप लोग अपडेट रहिए।